मणिपुर में मिलिटेंट्स के घात लगाकर किए गए हमले में इंडियन आर्मी के 18 सोल्जर्स के मारे जाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट्स से कड़ाई से निपटने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी से कहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन NSCNK और मिलिटेंट्स ग्रुप के खिलाफ सर्च और डिस्ट्रॉय कैंपेन शुरू करें। ये अटैक लास्ट 2 डेकेड्स का सबसे मैसिव अटैक है। टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से कड़ाई से निपटने का फैसला हाई लेवल मीटिंग में लिया गया। इस मीटिंग में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग और टॉप एग्जीक्यूटिव मौजूद थे। बता दें, 6 डोगरा रेजिमेंट का एक दल इम्फाल से करीब 80 किलोमीटर दूर तेंग नोपाल न्यू समतल रोड पर समान दिनों की तरह रोड ओपनिंग पेट्रोल RPO पर था। उसी वक्त एक अननोन मिलिटेंट्स ने घात लगाकर देसी बम IED से अटैक कर दिया। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।